Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Elysium Public School and College, Dhotra. I am Mrs. Shazia Asghar, teaching you the subject of English, class 9. It's lecture number 69 and we are doing our active voices and passive voices. Previous lecture mein humne future indefinite ke उर्दू सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा था. आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट के इंग्लिश एक्टिव वॉइस फिक्रे को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना. जब हमें इंग्लिश का एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया जाता है तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्ट होता है जो टेंस के स्टार्ट में सिखाया गया है. यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट. अब अगर आपको ऐसा फिक्र आता है आपने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. उर्दू फिक्रे में तो अलग अलग होता है, अली खत लिखेगा या खत लिखा जाएगा. ये उर्दू फिक्रा है, अली खत लिखेगा ये एक्टिव वॉइस फिक्रा है. अली विल राइट अ लेटर, इसमें देखिए अली सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अ लेटर ऑब्जेक्ट है. इस तरह का फिक्र आएगा तो आपने उसको पैसिव वॉइस में करना है. अगर फिक्र ऑलरेडी पैसिव वॉइस आता है, एक खत लिखा जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन, ये फिक्र है तो फ्यूचर इंडेफिनेट का, लेकिन पैसिव वॉइस है. अ लेटर जो कि सब्जेक्ट की जगह लिखा गया है, था इसमें ऑब्जेक्ट, विल बी रिटन, विल बी के साथ बी हेल्पिंग वर्ब भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये वाला फिक्र ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है. ऐसा सेंटेंस अगर आता है तो आप उसको मजीद पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. आपको चाहिए सिंपल एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर वाइज फिक्र जिसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. तो अब अगर जब आप एक्टिव वॉइस इस तरह के फिक्र को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहले आप उसके रूल्स पढ़ेंगे और फिर उसका आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे. सबसे पहले अगर आपको एक एक्टिव वॉइस फिक्र दिया जाता है जैसे कि ये, तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है. अब आपने जो नया सब्जेक्ट लिखा है, जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने सब्जेक्ट की जगह उठा के लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आएगा विल बी या शैल बी. और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा, जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बता दूंगी. शैल लगना है आए और वही के साथ और बाकी सबके साथ. विल लगेगा आए और वही अगर आता है यहाँ पे बतौर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था आपने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, अब अगर आई है या वही है तो आप शैल भी लिखोगे, अदरवाइज आप लिखोगे विल बी. थर्ड स्टेप में विल बी के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे. एक्टिव वॉइस फिक्रे में वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, आपने पैसिव वॉइस फिक्रे में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है. यानी आपने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्ट लिखा, आप जो नया सब्जेक्ट लिखा उसके बाद आपने विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है. वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने वर्ड बाय लिखना है और वर्ड बाय के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है जो शुरू में सब्जेक्ट था. अब अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वर्ड ऑफ निगेशन कहाँ लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल नॉट बी या शैल नॉट बी. वो जो विल और बी दो हेल्पिंग वर्ब थे नॉट, उनके दरमियान में आएगा विल नॉट बी शैल नॉट बी. हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी या शैल नॉट बी, यानी विल और शैल में से एक लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा. अगर फिक्र इंटरोगेटिव है तो विल और शैल सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा और जो बी है विल और शैल बिफोर द सब्जेक्ट लगेगा और बी जो है वो आफ्टर द सब्जेक्ट लगेगा. और अगर फिक्र इंटरोगेटिव है हु से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट में हु को बाय होम में कन्वर्ट कर देंगे. जब आप बाय होम लिख देंगे सेंटेंस के स्टार्ट में तो फिर आपने यहाँ वाला बाय यानी नए ऑब्जेक्ट के सामने बाय नहीं लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है आई शैल सी ऑफ माई फ्रेंड्स, आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, सी ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है. रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग माई फ्रेंड को आप आई की जगह लाओगे और आई को माई फ्रेंड की जगह तो माई फ्रेंड्स. रूल नंबर टू के मुताबिक आपने उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल बी. रूल नंबर थ्री के मुताबिक विल बी के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है सीन ऑफ, और रूल नंबर फोर के अकॉर्डिंग सीन ऑफ के बाद आपने बाय लगाना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख देना है जो कि रूल नंबर फाइव के अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्ट लिख देना है जो कि पहले सब्जेक्ट था. तो आप ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो गया माई फ्रेंड्स विल बी सीन ऑफ बाय मी. अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है वी विल नॉट डिफीट अवर एनिमी, तो आपने रूल नंबर वन के मुताबिक अवर एनिमी सब्जेक्ट की जगह लिखना है अवर एनिमीज, और अब चूंकि नेगेटिव है तो ये विल नॉट बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डिफीटेड, उसके बाद वर्ब बाय और उसके बाद अस. अगर यही फिक्रा इंटरोगेटिव होता शैल आएगा, सॉरी अगर ये फिक्र इंटरोगेटिव होता शैल पहले आता शैल वी नॉट डिफीट अवर एनिमी, तो यहां विल अवर एनिमी नॉट बी डिफीटेड बाय अस आता.
यानी अगर आपको पैसिव वॉइस सीख रहा आप जो आएगा उसका स्ट्रक्चर ऐसे होना है कि आपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखना है जो कि प्रीवियसली ऑब्जेक्ट था, उसके बाद विल बी या शैल बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट था. अगर नेगेटिव लिख रहा है तो सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि प्रीवियसली ऑब्जेक्ट था, विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपने ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि प्रीवियसली सब्जेक्ट था. और अगर इंटरोगेटिव है तो विल और शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट था उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, फिर ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक्चुअली में सब्जेक्ट था. ये स्ट्रक्चर बनेगा आपके पैसिव वॉइस का जिसको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर चुके हो. आइए आप प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस आपको देती हूँ जिसको आपने सॉल्व करना है. सेंटेंसेस फॉर द प्रैक्टिस. सेंटेंस नंबर वन, आई विल गेट अ स्कॉलरशिप. आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आ स्कॉलरशिप ऑब्जेक्ट है. आ स्कॉलरशिप विल बी गॉट बाय मी, इसको पैसिव वॉइस में करना है आपने. नंबर टू, ही विल पे द फाइन. ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द फाइन ऑब्जेक्ट. नंबर थ्री, द ऑफिसर विल नॉट वार्न द पियर. द ऑफिसर सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन, वार्न फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द पियर ऑब्जेक्ट. नंबर फोर, द प्रिंसिपल विल नॉट ग्रांट यू लीव. द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन, ग्रांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ग्रांट यू और लीव जो है वो ऑब्जेक्ट है. नंबर फाइव, वी शैल नॉट सेंड फॉर अ डॉक्टर. वी सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन, सेंड फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द डॉक्टर ऑब्जेक्ट. सेंटेंस नंबर सिक्स, व्हेन विल यू वैकेट द हाउस. आप घर कब खाली करोगे. व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, वैकेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द हाउस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस नंबर सेवन, हु विल बेल द कैट. बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बड़ा मशहूर मुहावरा है. हु ने चेंज होना है बाय हुम में. विल हेल्पिंग वर्ब है, बेल द कैट, बेल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द कैट ऑब्जेक्ट है. नंबर एट, वेयर विल द ड्राइवर पार्क द कार. वेयर क्वेश्चन वर्ड, विल हेल्पिंग वर्ब, द ड्राइवर सब्जेक्ट, पार्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द कार ऑब्जेक्ट. सेंटेंस नंबर नाइन, यू विल ओबे अवर ऑर्डर्स. यू सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, ओबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अवर ऑर्डर्स ऑब्जेक्ट. सेंटेंस नंबर 10, शी विल टेल द लेसन डेली. शी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, टेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द लेसन ऑब्जेक्ट और डेली कॉमन वर्ड. सेंटेंस नंबर 11, गर्ल्स विल नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग. गर्ल्स सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन, सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट. सेंटेंस नंबर 12, द सर्वेंट विल नॉट पोस्ट द लेटर. द सर्वेंट इज द सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन, पोस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द लेटर ऑब्जेक्ट. सेंटेंस नंबर 13, विल यू ऑफर फ्रूट्स टू द गेस्ट. विल हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आया है, मतलब ये एक इंटरोगेटिव है. यू सब्जेक्ट, ऑफर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्रूट्स ऑब्जेक्ट, टू द गेस्ट ऑब्जेक्ट. नंबर 14, ही विल राइट अ लेटर. ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट. नंबर 15, वी शैल फिनिश अवर होमवर्क. वी इज सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, फिनिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड अवर होमवर्क इज द ऑब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट, आपको इन सारे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. हार्ड कॉपी मुझे चेकिंग के लिए भिजवानी है. साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अगले लेक्चर में मिलते हैं. जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.